प्रज्ञा मैम आपका बैग। हाँ केशव नीचे से ना दो सैंडविच लेकर आ जाओ। जी। क्या हुआ प्रज्ञा? यार मैंने सुबह 3000 रुपए रखे थे, अभी सिर्फ 1000 रुपए हैं। केशव तूने पैसे चुराए, पैसे की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेना चाहिए था ना। ये क्या बोल रही है मैडम आप, मैंने कोई चोरी नहीं की है। झूठ मत बोल, तेरे अलावा कौन सा पीऊन है इस ऑफिस में, और ये बैग भी तूने लाके दिया ना मुझे। मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। देख यार झूठ बोल रहा है। प्रज्ञा जब वो कह रहा है उसने चोरी नहीं की है तो नहीं की होगी ना, तुमने शायद गलत काउंट कर लिया। स्पर्श कौन 3000 रुपए गलत काउंट करता है यार। अरे तुम एक बारी दोबारा अच्छे से देखो। केशव जी आप जाओ, देखो इसी में ही होगा। यार प्रज्ञा यार पीपीटी समझ में ही नहीं आ रही है, एक बारी देखना। अरे यार तूने ये गलत बनाया ना, ऐसे होगा। थैंक यू यार। हेलो। हाँ मम्मी। हाँ ठीक है। यार स्पर्श मेरी यहाँ घड़ी रखी हुई थी, तूने देखी क्या? नहीं तो ये पक्का उस केशव का काम है, वो आया था यहाँ पे शायद। केशव केशव। जी मैडम बोलिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी घड़ी चुराने की? क्या बात कर रही है मैडम, मैं तो यहाँ आया भी नहीं। कितना झूठ बोलेगा तू, तूने कल मेरे बैग से पैसे चुरा लिए, आज तूने मेरी घड़ी चुरा ली, अब पता नहीं इस ऑफिस में और क्या क्या चुराएगा। मैडम ये क्या बोल रही है आप, मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझ पर भरोसा कीजिए। क्या भरोसा? हाँ क्या, वो इतने टाइम से यहाँ काम कर रहे हैं, चोरी क्यों करेंगे? स्पर्श तू चुप रह, और तू, तुझे जितनी चोरी करनी है ना तू कर ले, लेकिन जिस दिन मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया ना उस दिन तेरी खैर नहीं। चल निकल यहाँ से, अब निकल। बहुत अच्छी थी पता है। हाँ अभी मैंने गाड़ी में रख दी है, शाम को आते हुए पहन के आऊँगी। हाँ अच्छा ठीक है ना। अरे केशव जी ये प्रज्ञा की चाबी गिर गई थी, आप उसे दे दीजिए, अभी बाहर ही गई है वो। ठीक है जी। मैडम ये आपकी चाबी पीछे गिर गई थी। ठीक है चल तुझे एक कमाल की चीज दिखाते। क्या हुआ प्रज्ञा? केशव इधर। इसने ना। जी मैडम बोलिए। मेरा ब्रेसलेट निकालो। कौन सा ब्रेसलेट मैडम? देखो ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है मेरा ब्रेसलेट तुमने चुराया, तो निकालो मेरा ब्रेसलेट। मेरे पास कोई ब्रेसलेट नहीं है, आप तो ये रख के भूल गई होंगी। तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं अभी अभी पुलिस को फोन करता। मैडम आप मेरा यकीन कीजिए मैं सच कह रहा हूँ। जब सुबह तू मुझे चाबी देने आया था ना मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैडम बात ये नहीं है, वो चाबी तो क्या क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? सर अच्छा हुआ आप आ गए। सर देखिए ना इसकी चोरियां कितनी बढ़ गई हैं, पहले ये सिर्फ ऑफिस में चोरी कर रहा था, आज इसने मेरी कार में से मेरी ब्रेसलेट निकाल ली। सर सर आप मेरा यकीन कीजिए, सर मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं सच कह रहा हूँ। देखिए केशव जी आप शांत हो जाइए, मुझे पता है चोरी किसने की। सर आपको पता है ना चोरी इसी ने की है, सर प्लीज पुलिस को बुलवाइए और इसे अरेस्ट करवाइए। एक मिनट प्रज्ञा, चोरी इन्होंने नहीं की, चोरी स्पर्श ने की। स्पर्श ने की? हाँ सुबह जब मैं पार्किंग से ऑफिस जा रहा था तो मैंने इसे तुम्हारी गाड़ी से कुछ निकालते देखा। स्पर्श I did not expect this from you. क्यों किया स्पर्श? क्यों की चोरी? प्रज्ञा पुलिस को कॉल करो,
और इसे अरेस्ट करवाओ। सर, स्पर्श वॉज माई गुड फ्रेंड, मुझे कोई एक्शन नहीं लेना है। ठीक है, तुम एक्शन मत लो, लेकिन मैं तो लूंगा। स्पर्श, यू आर फायर्ड। सर, पर मेरी बात तो सुनिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम्हें कल से आने की कोई जरूरत नहीं, अब निकलो यहाँ से। और जाते जाते प्रज्ञा का ब्रेसलेट वापस करके जाओ। Now get lost. प्रज्ञा, I think तुम्हें केशव जी से माफी मांगनी चाहिए, तुमने इनके साथ बहुत गलत किया। Yes, sir. मैं चलता हूँ। जी सर। थैंक यू सर। केशव जी, मैंने बिना किसी प्रूफ के अपनी हर चोरी का इल्जाम आपके ऊपर डाल दिया, आपको इतना जज किया, रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं मैडम, पर आगे से किसी को शक के बिना पर गुनाहगार साबित मत कर देना। मैं ध्यान रखूंगी। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।